नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले रुख बड़ी जानकारी का कर लेते हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर राइज से, जहां पर वैक्सीन सेंटर पर उड़ी नियमों की धज्जियां। एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर सामने निकल कर आई है। वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिना मास्क लगाए हुए वैक्सीन लगवाने लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, लंबी लंबी कतारें तो आप देख रहे हैं। मास्क भी कई लोगों ने पहना हुआ है, लेकिन सही ढंग से इस मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं लोग। और कई नहीं बल्कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। राइज से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। वैक्सीन सेंटर की तस्वीरें हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, महिलाएं लोग तमाम लोग पुरुष पहुंचे हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। बिना मास्क लगाए हुए लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा नहीं जा रहा है। कई सवाल ये तस्वीरें यहां पर खड़ी कर रही है। फैक्ट्रियों में वैक्सीनेशन अनिवार्य होने के बाद भी भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। राइज से ये सीधी तस्वीरें, वैक्सीन सेंटर की ये तस्वीरें हैं राइज के, जहां पर वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचे हैं। लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है, लेकिन मास्क नजर नहीं आ रहा। इक्का दुक्का लोग ही हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग तो यहां पर बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर भीड़ यहां पर देखी जा सकती है। बड़ी जानकारी राय से तस्वीरों के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे संवाददाता लाजपत भी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाजपत, जानकारी चाहूंगी राय से। ये वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोगों का जमावड़ा तो यहां पर दिख रहा है, भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन सावधानियां दिखाई नहीं दे रही हैं। मास्क तो इक्का दुक्का ही लोगों ने पहना हुआ है। जी बिल्कुल स्वाति, इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर, जो तस्वीरें आपके सामने लाइव है ये देख सकते हैं कि फिर से मैं आपको दिखा दूं कि तस्वीरें बयान करती हैं कि कोरोना जैसी महामारी और ये भीड़, ये अपने आप में कोरोना का सबसे बड़ा ब्लास्ट है और बम है। इसको बम ब्लास्ट इसलिए कहेंगे कि लगातार ये देखिए भीड़, और ये भीड़ बयान करती है कि ये लोग जो है लापरवाह है, और इस भीड़ में कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही है। आपको तस्वीरें जो लाइव है ये दिखाई दे रहा है कि कैसे लापरवाह है। यहाँ पर मास्क नहीं दिखाई देगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई देगी, कितनी बड़ी लापरवाही है ये देख सकते हैं। तीसरी बार लॉकडाउन होने की कहीं ना कहीं इन लोगों की लापरवाही होगी, लेकिन ये मजदूर और मजबूर हैं, इसलिए लोग मजदूर और मजबूर हैं कि यहाँ पर जो है ये भीड़ जो है ये फैक्ट्री एरिया की है, और फैक्ट्री एरिया का होना यहाँ पर काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लोग जो है मजदूर और मजबूर हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप वैक्सीन लगवाने आए हैं, किस तरीके का यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि भीड़ काफी है, भीड़ है, और ये भीड़ नहीं होनी चाहिए इतनी। लोगों को पहले ही जागरूक हो जाना चाहिए था। अगर लोग पहले जागरूक होते ये भीड़ नहीं होती। इस भीड़ में तो बीमारी का और फैलने का खतरा ही है। तो दो बार कोरोना की वजह से देश लॉकडाउन हुआ है, तीसरी बार फिर लहरा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, सामाजिक दूरी का प्रयोग करना पड़ेगा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचना पड़ेगा। आपको फिर से तस्वीरें दिखा दूं कि इस तरीके का कितना बड़ा ये एक मंजर है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो काफी बड़ी एक उपलब्धि रखता है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी का कोरोना योद्धा जिसको कहा जाता है। लेकिन ये लोग देखिए भीड़ किस तरीके से है, स्वास्थ्य विभाग की जो है जहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है जो लोगों को कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहे। क्योंकि जिस तरह से हम भीड़ देख रहे हैं, वैक्सीन लगवाने तो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो सावधानियां बरतनी चाहिए लोग वो सावधानियां क्यों नहीं बरत रहे हैं? जिन लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है, मैं चाहती हूँ आप उनसे बात करें जाके कि वैक्सीन तो आप लगवा रहे हैं लेकिन लगवा क्यों रहे हैं? ताकि आपको कोरोना ना हो ना, आप बीमारी से ग्रसित ना हो, लेकिन उससे पहले की सावधानियां तो लोग बरतेंगे ना, लोगों में इतनी तो समझ होनी चाहिए। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अंदर हैं और काफी भीड़ है, वहां तक जाना काफी मुश्किल है, क्योंकि कोरोना जैसा बम है, और ये कोरोना की सबसे बड़ी यहाँ पर लापरवाही है आपको दिखाई जो दे रहा है। ये सोशल डिस्टेंसिंग आप देखिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग है, ये मजदूर है, मजबूर है, फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं हैं, व्यक्ति है, इनको फैक्ट्री से निकाला गया है कि आप वैक्सीन लगवा के आइए तभी फैक्ट्री में आइए। ये कहीं ना कहीं जागरूकता जरूर फैलाई जा रही है, लेकिन
लोग माइनर है, ये लोग लापरवाह होंगे क्योंकि देश को दो बार लॉकडाउन हुआ है, तीसरी बार फिर होगा। फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा सोनीपत तो होना और इस तरीके की वैक्सीन को लेकर भीड़, ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही है। शासन और प्रशासन को समय रहते जागना चाहिए ताकि इस तरीके की भीड़ इससे बचा जाए, क्योंकि तीसरी लहर है वो भी और भी खतरनाक है। हम हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से लोगों से अपील करते हैं, अगर तीसरी बार लॉकडाउन हुआ तो आप खुद लापरवाह होंगे, क्योंकि देश दो बार जूझ चुका है, तीसरी बार फिर कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। क्योंकि लाजपत ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, बच्चों को यहाँ पर लाना ये बिल्कुल उचित नहीं बनता। लाजपत, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी लगातार यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि वहां पर कोई कर्मचारी नहीं है लोगों को समझाने के लिए, लेकिन लोगों में इतनी समझ तो है ना कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकते हैं, उन लोगों को ये तो समझ है ना, क्योंकि सरकार लगातार उन्हें समझा रही है कि जब भी बाहर निकले तो गाइडलाइंस जारी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वरना उन्हें यही कहा जा रहा है ना कि आप घर में रहें, जरूरत हो तो तभी आप बाहर निकलें। लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन खुद में भी इतनी समझ होनी चाहिए कि वहां पर अगर कोई समझाने के लिए नहीं है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए नहीं है, तो खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। स्वाति, देखिए मैं आपको स्वास्थ्य विभाग की टीम बता दूं, जो कोरोना योद्धा है, जो अपनी जान को जोखिम में देकर यहाँ पर प्रयासरत है, लेकिन वहां तक हमारा जाना मुश्किल है क्योंकि कोरोना से बचना है तो काफी बड़ी किल्लत है। हमने प्रयास किया था अंदर जाने का, लेकिन ये भीड़ बयान करती है कि इस भीड़ से कैसे बचा जाए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से स्वास्थ्य विभाग जो है काफी बड़ा योद्धा है। हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि काफी बड़ी भीड़ है, ये लोग कितने माइनर हैं, लोग लापरवाह हैं, एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से भीड़ है। बहन जी, आप कोरोना का वैक्सीन लगवाने आए हैं लेकिन मास्क नहीं, आप पर लापरवाही डर नहीं लगता आपको? औरों से भी बात करने का प्रयास करते हैं, जो भीड़ है उनसे बातचीत करने की प्रयास करते हैं, ये देखिए महिला है उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कोरोना जैसी महामारी से डर नहीं लगता आपको? कोरोना से डर लगता है तभी तो आज वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। क्या मानते हैं इस भीड़ को देखकर? भीड़ को देखकर क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए, मगर इसमें गलती किसकी? स्वास्थ्य कर्मी की। पर्याप्त मात्रा में जब वैक्सीन नहीं है तो लोगों को बुलाया क्यों जा रहा है? एक रूल बनाया या तो उसी को वैक्सीन मिले जिसका रजिस्ट्रेशन होगा। क्यों आम भीड़ को बुलाया जा रहा? मना कर दिया जाए कि उसी को वैक्सीनेशन होगा जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है, वरना नहीं होगा। कितने दिन से भटक रहे हैं आप? आज हमें 5 दिन हो गए। कंपनी से निकाल देता है कि वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीनेशन नहीं तो जॉब नहीं। बिल्कुल, देखिए बातचीत करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए जैसे ये देखिए आधार कार्ड को लेकर कैसे भीड़ लगी है। कोरोना योद्धा है, जिंदगी अपने आप को बयान करता है कि भीड़ में कितना शक्ति हो रही है, कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचा जाएगा। ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही है। ये देख सकते हैं कि कोरोना योद्धा जो है वो प्रयासरत है। पहले जब सरकार ने प्रयास किया था कि कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन लगवाएं, लेकिन ये लोग कितने लोग लापरवाह हैं। लगातार फैक्ट्रियों की कहीं ना कहीं जो है फैक्ट्री मालिकों की इसमें ज्यादातर लापरवाही दिखाई दे रही है, क्योंकि फैक्ट्री मालिकों की जिम्मेवारी बनती है। जो मजदूर और मजबूर है, जो रोजी रोटी को लेकर अलग अलग स्टेट से जो लोग आए हैं, माइनर है लोग हैं जिनको अपनी रोजी रोटी को लेकर भटकते हुए नजर आते हैं, और फैक्ट्री मालिकों की तरफ से कहा गया है कि आप वैक्सीन लगवाइए फिर ही फैक्ट्री के अंदर आइए, तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता जरूर है, लेकिन फैक्ट्री मालिक की जिम्मेवारी बनती है कि प्रशासन से बातचीत कर सरकार से बातचीत कर अपनी फैक्ट्री में ही वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि लगातार इस तरीके से अगर भीड़ बनी रही तो कैसे तीसरी जो लहर है उससे बचा जाएगा? बिल्कुल, लाजपत, यानी कहा जा सकता है लोगों के लिए तो दोहरी मुसीबत हो गई ना, लोगों के लिए यहाँ पर दोहरी मुसीबत हो गई। फैक्ट्रीज में काम पर जब जाते हैं लोग तो नौकरियों पे उनको नहीं आने दिया जा रहा क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है। वैक्सीन लगवाएंगे तभी उनको अंदर एंट्री दी जाएगी, तभी उनको बुलाया जाएगा, परमिशन दी जाएगी। वैक्सीन सेंटर पर जाते हैं क्योंकि जिस तरह से हमने सुना इससे पहले भी आप बात कर रहे थे जिन लोग से, उन्होंने कहा कि 5 दिन हो गए हैं, हमें बुला लिया जाता है लेकिन वैक्सीन नहीं लग पा रही है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी, क्योंकि लोग यहां पर पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगने से पहले, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर नजर नहीं आ रही है, कई लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है, उससे पहले अगर किसी को बीमारी लग जाती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं जो भीड़ में 5 दिन से भटक रहे हैं वैक्सीन को लेकर।
फैक्ट्री की कहीं ना कहीं लापरवाही है और इसको लेकर क्या मानते हैं, क्यों कैसे लापरवाही है? लापरवाही सबसे बड़ी फैक्ट्री की नहीं, सबसे बड़ी सरकार की है। कैसे सरकार की है? सरकार की लापरवाही यह है कि आज मजदूर को बिना वैक्सीनेशन के जॉब नहीं मिलेगी, और मोदी जी पश्चिम बंगाल में असम में 5-5 लाख लोगों को लेकर रैलियां करते हैं, योगी जी सड़क शो कर रहे हैं। आज महापंचायत है 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में कि वहां पे कोविड नहीं है। आज अगर 10,000 मजदूर यहाँ आके अगर मजदूर को निकाल दिया जाता बिना वैक्सीनेशन के, उसके लिए कोरोना है। इन अमीर आदमियों के लिए कोई कोई नहीं, सरकार के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, सब रूल फॉलो करेगा मजदूर। मजदूर को ही मारो, अभी लॉकडाउन की मार झेल का है या वैक्सीनेशन की लाइन में लगेंगे, कहां तक मजदूर मरेगा? इस देश को खत्म तो कर दिया आपने। अरे 2014 में झोला टांग के चले थे तुमने, तो लोगों के हाथ में ही झोला पकड़वा दिया। तुम तो भिखारी थे, तो मैं तो देश का बेटा हूँ, भिखारी हूँ, एक बार मेरी सुन लो। अरे पूरी जनता ने आपको सपोर्ट किया, जनता की भी तो आप सुन लो। पूरा देश पूंजीवादियों के हाथ में दे दिया, अडानी और अंबानी ग्रुप जैसे चारा वैसे शोषण कर। आज यहाँ 12 घंटा का 8,000 रुपया तनख्वाह मिलती है कंपनियों में। कभी मोदी जी ने आकर किसी कंपनी को ऑनर से पूछा है कितना कम सेल लिखियो है? आज तक कभी आवाज उठाई है? बिल्कुल। चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लोग परेशान हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, कई दिन उनको हो गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे रोज जाते हुए, लेकिन वैक्सीन उन्हें नहीं लग रही है। कई सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच झज्जर से हमारे संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा रमाकांत हमारे संवाददाता झज्जर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रमाकांत आपके पास आऊंगी, झज्जर में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि राई में तो हमने देखा कि वैक्सीन सेंटर पे लोग पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही है, लंबी लंबी कतारें हैं, कई लोग ऐसे पहुंच रहे हैं जिनके मुंह पर मास्क नहीं है, वैक्सीन उनको नहीं लग पा रही है, कई दिन से वो लोग लाइन में खड़े हुए हैं, रोज आते हैं और ऐसे ही वापस लौट जाते हैं। झज्जर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है रमाकांत? जी बिल्कुल, मैं आपको पहले झज्जर की तस्वीर की बात बता दूं कि झज्जर में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। कल झज्जर में एक मरीज आया था, एक मरीज ठीक हो गया और वहीं एक मरीज की मौत भी हो गई। अब झज्जर की बात करें तो 323 के करीब में मौतें हो चुकी है। लगातार झज्जर में सीएमओ संजय दहिया कह रहे हैं कि आप प्रशासन को सजग रहना पड़ेगा, आम लोगों को सजग रहना पड़ेगा, चेहरे पर मास्क लगाना होगा। लेकिन मैं वैक्सीनेशन सेंटर की बात करूं तो वहां पर नियमों की धज्जियां पूरी तरह से उड़ाई जा रही है। अगर बात करें, अगर हमने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने पुलिस प्रशासन से पुलिस की व्यवस्था के बारे में बात की थी, लेकिन सिर्फ एक ही हेड कांस्टेबल है, जो 200 से 300 मरीज आ रहे हैं उनके ऊपर वो कम है। थोड़ी देर पहले तो अगर वो मास्क लगवाते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, उसके बाद जैसे ही पुलिस कर्मचारी थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर से मास्क लगाते थे। जब हम आम लोगों से बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि साहब हमारा दम घुट रहा है, और ना पर वहां पर खड़े होने की व्यवस्था है, ना पर पीने पानी की व्यवस्था है। तो आप समझ सकते हैं ये झज्जर के सिविल अस्पताल की तस्वीर है। हालांकि जब इस बारे में हमने सीएमओ संजय दहिया से बात की तो उन्होंने कहा, हम हरियाणा न्यूज पर जैसे ही खबरें दिखाई तो उन्होंने कहा कि हम लोग सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेंगे और पीने के पानी की व्यवस्था है, अगर कुछ इस तरह की समस्या है तो उसको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन ना तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे। हालांकि अलग अलग जगह पर झज्जर में पॉइंट्स बनाए गए हैं, डोज भी सेट कर ली गई है, सुबह 5 बजे से ही वो मरीज आ जाते हैं और उसके बाद में लगातार 2-2.5 बजे तक वो खड़े रहते हैं, उनकी मजदूरी भी खत्म हो जाती है और उसके बाद उनको बता दिया जाता है कि साहब डोज खत्म हो गई है, अब अगले दिन आए। तो कुछ लोग परेशान भी थे लेकिन ज्यादातर झज्जर में लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए और उन्होंने कहा सुबह से हालांकि हमें 3-4 घंटे तो खड़े होना पड़ता है लेकिन हमें डोज मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं झज्जर में जो व्यवस्थाएं अगर बात करें राई के मुकाबले तो यहां पर बेहतर है, और जो प्रशासन हम लोग जैसे ही उन लोगों से बात करें तो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप किसान धरने पर बैठे, उनके चेहरे पर मास्क नहीं है, नेता जो रैलियां कर रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क नहीं है, तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट वो हम लोग करते हैं। हालांकि जब हम लोग उनसे उसे बताते हैं कि साहब बीमारी तो आपको बन जाएगी, ये बीमारी आपको लगेगी, तो वो कहते हैं कि साहब ये बीमारी गरीबों के लिए बनी है, नेताओं के लिए नहीं बनी, ना किसी बड़े अधिकारी के लिए बनी है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी परेशान हो चुके हैं, बोले कि कोरोना की 2 लहर पहले दे चुके हैं, हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इस तरह की ये तीसरी लहर की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ गरीबों को मारने का सरकार काम कर रही है, इस तरह के आर्गुमेंट लोगों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। स्वाति ठीक है रमाकांत, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप आपके पास आऊंगी, हिसार में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि इससे पहले हमने राई और झज्जर की बात की, राई में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी, झज्जर में हालांकि कुछ लोग संतुष्ट हैं, लेकिन वहां पर हिसार में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि दो लहर
निकल चुकी हैं, तीसरी लहर सामने है, चुनौतियां कई हैं, सवाल कई खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरह से अब आगे काम किया जाएगा, व्यवस्थाएं क्या कुछ हैं, तो हिसार में इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास आया है? अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन की डोज भी लगातार लगाई जा रही है और 8 लाख के करीब जिले में वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। नया कोई मामला नहीं है और फिलहाल हिसार में कोई एक्टिव केस भी नहीं है। जिस बात बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी, अगर वैक्सीनेशन सेंटरों की वहां पर बात की जाए, क्योंकि बाकी जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स की हमने तस्वीरें देखी वो बद से बदतर नजर आ रही हैं। लोग वहां पर भीड़ भाड़ में पहुंच रहे हैं, कोई लोगों को समझाने के लिए नहीं है वहां पर, कई जगह ऐसी भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, वहां पर हिसार में क्या हाल है? सुन पा रहे हैं आप अनूप? तो देखिए तमाम जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सबसे पहले राय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर लोग पहुंच तो रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए लेकिन बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस लौटना पड़ रहा है लोगों को। लोगों के अंदर गुस्सा है कि उनको बुला तो लिया जाता है लेकिन उसके बाद वैक्सीन उन्हें नहीं लगाई जाती है, वो वापस ही लौट जाते हैं। तो अनूप कुंडू हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं हिसार से लाइव। अनूप, मेरा सवाल ये था कि इससे पहले हमने कई जगह की तस्वीरें देखी हैं वैक्सीनेशन सेंटर की, लेकिन हिसार में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, लोगों से क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं, क्या वहां पर भी लोग ऐसे हैं कि वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचते हैं लेकिन बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस उन्हें लौटना पड़ता है? प्रकार से मैं पहले बता रहा था कि हिसार में कोरोना के मामले अब बिल्कुल सामान्य है, कोई नया मामला नहीं आ रहा और वैक्सीन की भी कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, ग्रामीण स्तर तक वैक्सीन की जो सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई है और नए मामले न आने के कारण हिसार को पीसफुल की श्रेणी में रखा गया है कि अब नए मामले नहीं है और एक्टिव भी कोई केस नहीं है। तो इस करके हिसार में हम कह सकते हैं कि कोरोना के कोई अगले नए मामले न आने की वजह से सामान्य स्थिति है। जी बिल्कुल अनूप, अभी तक कोई मामला नहीं आया लेकिन तीसरी वेव की बात की जा रही है वो सामने है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सितंबर के आखिरी महीने या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में, हफ्ते की बात करूंगी मैं, कि तीसरी वेव सामने आ सकती है। तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां इस जमीनी स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से, लोगों को जागरूक किया जा रहा है तीसरी वेव को लेकर? देखिए स्वाति जी, अगर तीसरी वेव की बात की जाए तो तीसरी वेव का खतरा नहीं लग रहा, क्योंकि अब जिस प्रकार से सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं न कहीं पूरी तरह से बंदोबस्त किए हुए है, इसीलिए उन्होंने प्राइमरी स्कूल भी लगा दिए हैं। हालांकि स्कूलों में सैनिटाइज की व्यवस्था की जा रही है लेकिन छोटे बच्चों को जिस प्रकार से स्कूलों में बुलाया जा रहा है तो उससे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं सरकार तीसरी वेव को लेकर के प्रशासन और सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए होंगे, तभी जाकर के स्कूल प्राइमरी तक के लगाए गए हैं। हालांकि यहाँ पर इस प्रकार की कोई स्थिति अभी तक नजर नहीं आ रही कि तीसरी वेव को लेकर के कोई अलग से कोई इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हों। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमरीश सोनी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट है। अमरीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू मैम। अमरीश जी सवाल ये, क्योंकि तस्वीरें हम इससे पहले देख रहे थे वैक्सीनेशन सेंटर की, सरकार और प्रशासन तो अपनी तरफ से सतर्क कर रही है लेकिन सवाल ये है कि क्या लोगों को जागरूक होने की जरूरत नहीं है? लोग क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं तो वहां पर लगातार लंबी लंबी लाइनें हैं। सवाल सर मेरा इसलिए भी क्योंकि वहां पर अगर उन्हें कोई समझाने के लिए नहीं है तो लोगों में इतनी जागरूकता नहीं होनी चाहिए कि वो खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, क्योंकि अपनी सुरक्षा तो अपने हाथ में ही है ना सर? डेफिनेटली मैडम, जैसा हमने देखा पिछली बार सेकेंड वेव के अंदर, फर्स्ट वेव के अंदर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं थे लोग और काफी उसको मजाक में भी लिया, तो उसके बाद उसके सारे परिणाम हमने सेकेंड वेव के अंदर देखे। तो सेकेंड वेव देखने के बाद में हम ये हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए उस दौर को कि कैसा हमारे साथ वो उस टाइम निकला है और उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है। जैसा हमने देखा सेकेंड वेव बिल्कुल केस नॉर्मल हो चुके थे और बिल्कुल एकदम से वेव आई थी, तो थर्ड वेव में ऐसा पॉसिबल है कि आज कोई केस नहीं है लेकिन एकदम से केसेस बढ़ने लग जाएं। तो थोड़ा सा ये सेल्फ खुद को जागरूक करने की जरूरत है हर पर्सन को, क्योंकि गवर्नमेंट है आपको गाइडलाइन दे सकती है लेकिन फॉलो तो हर पर्सन को इंडिविजुअल रूप से करना होगा।
मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें तो फॉलो करनी ही करनी होगी। और दूसरा वैक्सीनेशन का है, तो वैक्सीन लगने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इन्फेक्टेड नहीं हो सकते। फिर से वायरस तो बिल्कुल बॉडी के अंदर एंटर कर ही सकता है, ये एक अलग बात है कि वो किस लेवल तक एंटीबॉडीज उससे लड़ती है या किस लेवल तक उससे इलनेस सीवियरिटी आती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इन्फेक्टेड नहीं हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो उसका भी बचाव हमें पर्सनली ही जागरूक होना पड़ेगा। साथ में गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, समझा रही है, गवर्नमेंट ने अपना 100% दिया इसको काफी हद तक, लेकिन हर इंसान को अपने लेवल पे भी समझना पड़ेगा इस बात को। बिल्कुल सर, क्योंकि आप हेल्थ एक्सपर्ट है, इन चीजों को बेहतर समझते हैं और समझा भी पाएंगे जो लोग देख रहे हैं। क्योंकि हमने लोगों से ये भी सुना कि घंटों वो लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं और मास्क उनको लगाना पड़ता है, उनको सांस नहीं आती है, ऑक्सीजन जब अगर उनको बीमारी पकड़ जाती है, ये कोरोना हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो जाता है, उससे बेहतर तो यही है ना कि सर मास्क लगा लें। बिल्कुल मैडम, जब वो प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा है कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम पहले से अगर उसके लिए प्रिकॉशंस रखें तो वो नौबत ही ना आए, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। जी सर। सर सवाल ये भी, क्योंकि तीसरी वेव हमारे सामने है, कई सवाल भी हैं और कई मुश्किलें भी हैं लोगों के लिए, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि बिना वैक्सीन के उनको नौकरियों पे जाने के लिए मना कर रहे हैं, उनको एंट्री नहीं मिल पा रही है, साथ ही साथ वैक्सीन उनको समय पर मिल नहीं पा रही है, कई दिन वो लोग जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे, वापस लौट आते हैं। तो क्योंकि तीसरी वेव सामने है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर कि किस तरह से सावधानियां इस दौरान बरती जाए? मैम, इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा हमने एक बार पहले फेस किया कि फर्स्ट वेव जब आई थी तो मार्च के अंदर स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद से सितंबर के लगभग देखे तो पीक आया था उसका, फिर सेकंड वेव आई थी तो मार्च में फिर से शुरुआत हुई थी, तो हमें ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड वेव फिर से इसी सितंबर के अंदर आए, क्योंकि एक हम देखते हुए आ रहे हैं जब पिछली दो वेव हमने देखी है। दूसरा वेव की बात नहीं, कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो उसके लिए तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज करना, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, सैनिटाइज करना, क्योंकि ये पर्सनल प्रिकॉशंस है और ये हमें रखने ही पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि वेव आ रही है इसलिए, क्योंकि ये जब तक कोविड पूरा अभी एंडेमिक और पेंडेमिक दोनों लेवल पे ही है, तो हमें इसके ऊपर पूरा प्रिकॉशन रखना ही पड़ेगा अभी। बिल्कुल सर। और इसी जब तक चेन नहीं टूटेगी, और अगर हम लोग बिना थोड़ा सा कम हुआ है कोविड और फिर अपने उसी लेवल पे काम करते रहे, प्रिकॉशन सारे हटा देंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोविड कब तक चलेगा और कैसे खत्म होगा। बिल्कुल सर, मैं जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और खासकर कि वो बच्चे भी, क्योंकि स्कूल अब खुलना शुरू हो चुके हैं, कल चौथी और पांचवी के स्कूल भी शुरू हो चुके हैं, प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बच्चों की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है सर, तो ऐसे में वो क्या सावधानी बरते, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो इन चीजों की समझ नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, गवर्नमेंट है, उन्होंने गवर्नमेंट ने अगर ये स्कूल स्टार्ट ओपन किए हैं तो उन्होंने भी काफी प्रिकॉशन रख के स्कूल ओपन किए हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ उसकी आधी रखती, और बच्चों में डेफिनेटली एक हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगा है, तो इसलिए थोड़ा सा हम उनके लिए ज्यादा कॉन्शियस है, ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। और गवर्नमेंट ने भी ऐसे इनको सुविधा की है कि इनकी हाफ स्ट्रेंथ के साथ में शायद शुरू करें, और उसके अंदर भी कंपल्सरी नहीं किया है, तो बच्चों के अंदर तो पूरी तरह से मास्क का, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा ये गाइड करना कि स्कूल में घर पे थी तो आप पेरेंट्स लगवा सकते हैं, लेकिन स्कूल में जाने के बाद बच्चे उस चीज को फॉलो कर पाए ऐसा मुश्किल है थोड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारी के लिए। तो डॉक्टर अमरीश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कई चीजों को लेकर उन्होंने बातचीत की, चर्चा की। तो देखिए, लोग परेशान है, कोविड सेंटर पहुंच रहे हैं, लोगों का कहना है कि जॉब्स पे आने के लिए मना कर दिया गया है क्योंकि वैक्सीन उनको नहीं लगी है, जब तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे जॉब्स पर वो नहीं जा सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं तो कई दिनों से कतारों में खड़े हुए हैं, रोज वो जाते हैं लेकिन बिना वैक्सीन के उन्हें वापस आना पड़ता है। लेकिन इस बीच देखिए, कई कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन और सरकार की तरफ से, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अपनी सुरक्षा हम सबके अपने ही हाथ में है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ।